कहते कि हमने यहाँ पे, अब तुमने क्या करा है वहाँ की माइनॉरिटी के लिए ये बता दो, क्या करा है तुमने वहाँ की माइनॉरिटी के लिए, वहाँ पे दबाया है उनको, मारा है? तो ये मुझे शादी गए मुझे मजहब में ट्रे दी थी आई वापस माइटन में आई, माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैकमेल करी खड़े भी आई केयर केयर खड़ी हो तो कहीं इकबाल बम्बरो खड़े भी होते उते मुझे कोर्ट में खड़े हो मुझे चे तो मुसलमान थी ने का मुसा कर ने तो के गोली हने मारी चंदा सिंह तो पाजे खुशी सा तो दिल कबूल कयो मु खुशी सा कोन कयो जोरी मुझे धमके ने गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुचा मुझे मजहब कौन छंदे तेरे मुझे धमकी ने मजहब मुसलमान थी मुसलमान अभी वो हर रामचंद्र का उसका तुम वहां तक के उनके ग्लास बर्तन तक अलग रखते हो सुअर के बच्चों। सर हमारा हमारा ग्लास किधर है यहाँ पर रखे हुए हैं? हमारा ग्लास यहाँ पड़ा है, ये वाला हमारा ग्लास है ना? हाँ ये वाला गाइस, ये वाले जो है हमारा ग्लास है। ये बका कितने का एक बना के देते हो? 70 रुपए का। एक डॉक्टर था उसके ही ड्राइवर ने उसको मार दिया, डॉक्टर को मार दिया। एक बेचारा तुम्हारे रमजान में ही रमजान के अंदर चीजें वो लोगों को सस्ती दे रहा था, तुम लोगों ने उसको मार दिया। हिंदू था वो, सिर्फ हिंदू इस वजह से। तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके, और ये वीडियो भी है पोइक्यो का। तो भाई मैं बात करने वाला हूँ आज एक वीडियो की, जो वीडियो भी है पाकिस्तानियों का, जाहिल पाकिस्तानियों का, और ये है वही टिम कुक बोलने वाली रामजद का। आईफोन के सीईओ जो हैं टिम कुक वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तानी बोलते क्या हैं, और ये बात उस पर हो रही है, पता है आपको? एससीओ की मीटिंग जो दिल्ली सॉरी गोवा में होने वाली है, लेकिन किसी को बोलने का नहीं, इनको आने नहीं देना है, साफ मना करवाना है। तो जहाँ वो पाकिस्तानी हो वहीं पड़े रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जहालत की हमें कोई जरूरत नहीं। तुम साले जाहिल हरामियों सुअर, वहीं मरो वहीं फटो, और वहीं उंगली लेके अपने आपस में ही फकाफक करते रहो। Cause your life is फकाफक from every side। आगे बात समझ में, तो शुरू करते हैं बिना किसी अब बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तारिक अली। सर आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी? उनका ये इकदाम कैसा है, उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाए, आज ही चली जाए जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी हारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी हारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें, ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे, हम इन सुअरों के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती है, और तुम ओ लंबी दाढ़ी करने से चश्मा लगाने से कोई साला पढ़ा लिखा नहीं होता, तुम साले पढ़ लिख के भी गवारी रहोगे, भूखे नंगे मर तुम रहे हो, साले यहाँ के सोच रहे हो और यहाँ के तुम छोड़ो, और गलती से यहाँ के आके बिलावल ने यहाँ पे बोल दी ना ये चीज़, यहीं के मारेंगे कुत्ते ये चप्पल उठा के उसको, वैसे तो उसको यहाँ आने नहीं देना हमें, यहीं के मारेंगे चप्पल उठा के। चप्पल तो अपनी चप्पल क्यों खराब करेंगे, वो सुअर बना देंगे मार मार के, सुअरों के बीच में फेंक के ना कुचलवा के मार देंगे उससे, समझा? खारजा पा, अबे तुम गुलाम हो बे, तुम कभी यूएस के गुलाम, कभी अल हबीबी वल्ला वल्ला उसके गुलाम, कभी चिंग पोंग चुंग चाइना का, तो वैसे भी तुम गुलाम हो। हमारी इतनी कांड में दम नहीं है कि उसके जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लगा तुम उसको पब्लिक के हवाले या उसको कुछ कर सको, तुमने तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाया उसका। जो चाइना के अंदर रेगर मुस्लिम के साथ होता है, एक बार तुम्हारे मुंह से चू तक नहीं निकलती साले हिजड़ो, सामान के साथ साथ इज्जत भी कटवा ली है क्या तुमने अपनी? और वैसे भी इज्जत तो तुम्हारी है नहीं, तुम साले ताली बजाओ सिर्फ और पैसे मांगो, ताली बजाओ पैसे मांगो। ये देना हमें, तेरे वास्ते नाच ही रहे। आगे बात समझ में, कभी चाइना के आगे, कभी यूएस के आगे, कभी रशिया के पास जाके ताली बजा के सस्ता तेल मांगो, हैं? और कभी तुम सऊदी आ जाओ शेखों के पास, अरबों के पास जाओ, हैं? उनका वो धोता से पहन के खींचे, ये भाई देना, ये देना।
ये भाई देने ये भाई मेरा ने ये भाई पर देने जति भरे ये भाई हैं भाई पैसा दे ना साला खींचते रहता कुर्ता सा उसका वो भी बेचारा परेशान हो गया छुट्टे पट्टे देता तुम्हें लेकिन वो अब तुम्हारी वो भी गांड फाड़ रहा है साले। फिर एक हम यही सिर्फ ये मीडिया पे कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ये ऊपर के नहीं लगता अभी हमें किसी और की फिक्र करने की बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए सब जो हमारे मुल्क के हालात हैं हम जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पर जाते हैं या तो हम कश्मीर की बात करते हैं या हम किसी और मुद्दे पर बात करते हैं लेकिन हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की तरफ आते ही नहीं वो मसाइल हम खड़े ही नहीं कर पाते उनके सामने वाजे ही नहीं कर पाते कि हम किन इशूज़ से गुजर रहे हैं उनको हल कैसे करना है हमारे मुल्क के मेरे पहले जवाब में आपको उसका शायद थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा सियासी इस्तेहकाम आने वाला है ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा जो बांध दिया जो लोग सब इलेक्शन से भाग रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है ये सियासी इस्तेहकाम जब आ जाएगा ये सब कुछ ठीक हो जाएगा आप यहाँ तक देखें कि हमारा मुल्क कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सर्वाइव पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान खान साहब ने किया था क्यों उस वक्त सियासी इस्तेहकाम था एक मौजूदा एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी अभी हमारे पास पीडीएम का टोला है कोरोना में क्या कर रहा था अब भिखारी हो इतनी भीख मांग मांग के लाता ना सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला वही था आगे बात समझ में तुम लोगों एक बच्चा जो पैदा होता है ना उसके ऊपर 2.5 लाख का कर्जा हो गया पहले 1 लाख कुछ था 1,35,000 कुछ था इमरान खान ने 1-2.5 लाख रुपए चढ़ा दिए जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर भी कर्जा कुछ भी नहीं हुआ पूरी दुनिया में होता अरे घंटा था पूरी दुनिया में सालों 1,40,00,000,000 की आबादी को कि पूरी दुनिया की गांड फट गई थी पूरी दुनिया को हमने दिया था आगे बात समझ में तो सालो अपनी बड़ाई ना तुम करना छोड़ दो तुम हो नहीं उस काबिल आगे बात समझ में तुम सिर्फ काबिल हो हर जगह से लात खाने के जूते खाने के और धिक्कारने के हर जगह तुम साले कहीं रहने के लायक नहीं हो कहीं भी रहने के लायक नहीं हो तुम सालो तुम्हें तो ना नंगा करके तुम्हारे ऐसे मारना चाहिए ना सालो इमरान खान अबे मीठा है वो लड़के पसंद है तू मत चला जियो नहीं तेरा तिल्ला तोड़ देगा वो किसी दिन आगे बात समझ में लड़कियां पसंद नहीं है लड़के पसंद है लड़के टपा टप टपा टप टपा टप हाँ तिल्ला तोड़ देगा तेरा वो नहीं देखा तेरी दाढ़ी वाड़ी आ रही है क्या नहीं आ रही जहां उसने लगाया ना हाँ जहां उसने सुई लगाई उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी दाढ़ी आ रही है कि चश्मा लगा हुआ तेरा वो तोड़ देगा तेरा तिल्ला बिल्ला आगे पास समझ में नवाबी शौक है उसके ये तो लेटेस्ट न्यूज है पीडीएम का टोला है 13-14-15 जमाते हैं जिसमें कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती जो मर्जी कर ले कुछ भी नहीं कर सकती और दूसरी बात यही कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी हारजा पॉलिसी की वजह से हर इकदाम को सब कुछ किया उन्होंने अपनी मीशत बेहतर की हारजा पॉलिसी की वजह से उनकी अमरीका के साथ दोस्ती ऐसी है फिर भी उन्होंने रूस से तेल लिया हालांकि वो उनको मना करते रहे हम पाकिस्तानी हो गए अब आके हमने ये फैसला किया हमने बहुत देर कर दी 1 साल इंडिया पिछले 1 साल से फ़ायदा ले रहा है हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं ये हमारी नाकिस हारजा पॉलिसी की वजह से है हारजा पॉलिसी हमारी बेहतर होगी तो इंशाल्लाह ताला ये सब कुछ बेहतर होगा बिलावल साहब वहाँ पर जाएँ सबसे पहले मैं कहता हूँ बिलावल साहब वहाँ पर जाकर ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में वहाँ पर उनसे आवाज़ उठाएँ कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं मगर इन इशू पर बात करें हमारे साथ ये जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं ये सारा वहाँ के मुसलमान तो कहते हैं फिर सुअर का बच्चा बोला वो यहाँ आने की जरूरत नहीं किसी को आगे बात समझ रहे हैं ना तेरे बिलावल और पिलावल को और कोई मादर चौदह अगर यहाँ के लिए बोला ना गांड फाड़ देगी उसकी चौंक दिए भैया जी आप कोई साला पाकिस्तानी चूं करके भी आए इंडियन चैनल पे आके बोला गांड फाड़ दूंगा साले मेरे से तो गलती से मत भिड़ जाना मैं तो सालों इस टाइम गेहूं की कटाई हुई पड़ी मेरे गाँव में और वो खुद थे ना भी उसके गेहूं के इतने सारे छूटे हुए हैं उसमें घसीटूंगा सालों नंगा करके हम तो कहते हैं कि हमें यहाँ पे किसी किस्म का मसला ही नहीं है फिर हम किस मुद्दे पर वहाँ पे जाके उनसे बात करें जब वहाँ से वीडियो सामने आती है वहाँ के मुसलमान कहते हैं कि हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तानियों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मेरा ख्याल है फिर इस मुद्दे पर बात करना ही फजूल है जब वहाँ के अवाम को मसला ही कोई नहीं है वो कह रहे हैं कि अपने काम से काम रखो फिर हम क्यों जो हैं करें ये बात इस किसी से भी वहाँ की अवाम ओन ईयर नहीं कह सकती जैसे उसकी मिसाल मैं पाकिस्तान से देता हूँ हमारे पाकिस्तान में सब क्या कहते हैं हुकूमत कोई और करता है एस्टेब्लिशमेंट फौज करती है मगर हम मुंह पे नहीं कह सकते हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया टीवी पे आके भी नहीं कह सकता
कि ये हुकूमत फौज कर रही है, ये सारे मामला जो चल रहे हैं। अब हान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हुए उनका पर्चा क्यों नहीं कट सका, उन्होंने डीजी का नाम लिया, दो तीन जो है वो मैं यहाँ पे भी नाम शायद आप भी ना चला सकें, उनके नाम लिए हुए जिसकी वजह से वो नहीं हो रहा। इसी तरह वो बेचारे ओ सूअर के बच्चे, ये पाकिस्तान नहीं इंडिया है, आगे बात समझ में। यहाँ पे ना फौज फौज राज नहीं करती, फौज राज करती है सिर्फ बॉर्डर पे तुम लोगों को ठोकने के लिए, आगे बात समझ में। और यहाँ कोई भी कुछ भी बोल सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आगे बात समझ में। वहाँ पे कोई नहीं बोल सकता, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट सड़ी के तो थोड़ा बहन का लंड नहीं है क्या? मादर चोदी हो तुम साले, बहन चोद हो तुम, मादर चोद बहन चोद सब हो तुम तो साले, किसी को नहीं छोड़ते तुम तो। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? तभी कहता हूँ ये साले जाहिल हैं, इनकी जहालत से दूर रहो भाइयो, इंडियंस को बोलता हूँ साले दूर रहो जाहिलों से, ये थोड़े बहन के लंड नहीं है, पूरे बहन के लोड़े हैं। अरे इनकी ये थोड़े बहुत बहन चोद नहीं है, बहुत बड़े बड़े वाले बहन चोद हैं। और ये फैक्ट है, सब जानते हैं ये इंडिया है भाई, सब जानते हैं इनके बारे में तो, और जितने मेरे इंडियन मुस्लिम भाई हैं वो भी तो जानते हैं, है ना? इंडियन मुस्लिम हमारे भाई जितने जानते हैं सारे इंडियंस जानते हैं, कितने बड़े बहन चोद हैं साले, अपनी बेटियाँ नहीं छोड़ते, आराम के बच्चे हैं। कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब जैसे वो लोग होते हैं ना वो उसी तरह चलते हैं। हमारे यहाँ पे ये चाहे ऐसा कभी होता ही नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और इनके यहाँ पे तो साला आए दिन होता है, आए दिन साला कहीं ना कहीं होता है, उसने अपनी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया, उसने अपनी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, आए दिन होता है। तो जो अपनी बहन माँ बेटियों का नहीं हो सकता वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ इन बहन चौदों को अपने मुँह मत लगाओ, नहीं तो साला हमारा भी दिमाग खराब कर देंगे भोसड़ी। गाली देने का मेरा मन, मैं इसलिए गाली देता हूँ, ये गाली के लायक है माता चौध। देख ऑन कैमरा आके नहीं कह सकते। अब ये देखे ना पीछे जो दो MLA कत्ल हुए हैं, जो उन्होंने कत्ल किए हैं सरेआम जो वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कत्ल करने के बाद जय कृष्णा के नारे लगा रहे, वो इंडिया में ही हो रहा है। अच्छा। जो हमारी मतलब इनके प्रोपेगेंडा की वो देखो कि भोसड़ी के इनके मुंह से कुछ भी निकल जाए बस हिंदू को बदनाम करना है, मादर चौध कहीं के कुछ भी कर लें। वो तेरी फूफी का लड़का था सुअर के बच्चे, ISI पाल ली थी ना उसको, इसलिए उसकी गांड पे गोली पड़ी है, आगे बात समझ में। मरवाने वाले हमारे साली ये पॉलिटिशियन ही होगा कोई ना कोई हरामजादा, क्योंकि उसकी पोल ना खुल जाए भाई, कोई पोल ना खुल जाए साले, अपने ही देश में रह के अपने देश को काटते हैं हरामजादे, यहीं का खाएंगे इसी थाली में छेद करेंगे मादर चौध। और इन जैसे जाहिलों की साली सुननी पड़ती है हम जैसों को भी, लेकिन इनको जवाब देने के लिए ना हमारे, चलो मेरे जैसा तो छोड़ो मैं तो हिंदू कहलाऊंगा भाई, हमारे इंडियन मुस्लिम हैं इन लोगों के मुंह पे थोकने के लिए खड़े हो गए ना, छत से मुद देंगे इन सालों के सर पे, वही हम जैसों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ भाई जितने मेरे इंडियन मुस्लिम भाई हैंगे, जितने भी मेरे इंडियंस हैंगे, कमेंट सेक्शन में इनके सर पे मुद दो सालों के, माँ कसम जो मजा आएगा ना मैं और जोश इनकी माँ भैनिक करूंगा फिर तो, और डबल जोश से। पहले कत्ल हुए हैं जो उन्होंने कत्ल किए हैं सरेआम जो वहाँ से आ रहे थे, उन्होंने कत्ल करने के बाद जय कृष्णा के नारे लगा रहे, वो इंडिया में ही हो रहा है। अच्छा। जो हमारी मस्जिदें जो वहाँ पर उन पे हमले हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहा है। रही पाकिस्तान की बात तो हम तो इंडिया का इतना करते हैं, मैंने ये कुछ दिन पहले जैन मंदिर से मेरा गुजरना हुआ यहाँ के, हालांकि निस्बतन इंडिया की यहाँ पर मैं 1% भी हिंदू नहीं है, हमने जैन मंदिर वैसे खूबसूरत सारा कुछ किया हुआ है वहाँ ने हमारी। और तुमने जैन मंदिर की बात कर रहे हो साले, जैन मंदिर तोड़ने वाले तुम, जो पता नहीं इस्लामाबाद या कराची में कहाँ पे वो मंदिर बनने वाला, तुम मंदिर वो बनने नहीं दे रहे, 1800 मंदिर थे सिर्फ 20 मंदिर बचे हैं सुअर के बच्चों, हैं हिंदुओं की बेटियां तुम उठा लेते हो हर महीने, पता नहीं 20-50 पता नहीं 90 ऐसा कुछ कोई है मेरे को याद नहीं आ रहा, इतनी लड़कियां उठाई जाती हैं वहां से जबरदस्ती, उनका धर्म परिवर्तन करवाया था जबरदस्ती, छोटी बच्चियां 14 साल की 13 साल की 9 साल की सुअर के बच्चों, शर्म आती है तुम्हें थोड़ी सी भी? इतनी सी शर्म है तुम लोगों में? गैरत है थोड़ी सी? अपनी बहन बेटियों को ऐसे जाके दे के आओ ना, बेच के आओ, तो तुम तो बेच भी दोगे सालों, बेच ही दो तुम तो सारे चाइनीज को। मुझे बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था, और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूंगा। जब अपनी औरतों को ये चाइना में बेचते हैं उन्हें शर्म नहीं आती, सिंध की हिंदू लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करके बच्चियों को बूढ़ों से शादी करवा देते हैं, उन्हें तब शर्म नहीं आती। मेरे साथ चाइना नहीं जाना चाहती,
जाता हूँ मैं तैयार होगी तो इसे मैंने उठाया बोलो चर्च के लिए जाते हैं तो इसने मुझे मारा थप्पड़ मेरे मुंह पे और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। बड़ा दिल दहला देने वाला मामला ये है कि इन सैकड़ों हजारों के चीनी बाशिंदों को मुसलमान होने के जाली सर्टिफिकेट जारी किए। सातवें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में कि उनके बच्चों को झांसा देकर चाइना ले जाया गया और वहां पर उनको जिस्म फरोशी के मकरूह धंधे में डाल दिया गया। कि यहां पे कुछ चीनी लड़के आते हैं और यहां से लड़कियां जो हैं गरीब बेचारी उनको बहला फिसला कर उनके साथ शादियां करते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ जो घिनौने उनके हैं काम उस पर मजबूर करते हैं। खवातीन की चीनी मर्दों के साथ शादियाँ, मुबैना तौर पर उन पर होने वाला तशद्दुद, जिस्म फरोशी और अज़ा को निकालने के तो तुम बकवास करने के लायक इतने से भी नहीं हो। तुम जैसे सुअरों को ना मेरे जैसा बंदा कहते कि हमने यहाँ पे, अब तुमने क्या करा है वहाँ की माइनॉरिटी के लिए ये बता दो, क्या करा है तुमने वहाँ की माइनॉरिटी के लिए? वहाँ पे दबाया है उनको, मारा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में ट्रेड दी थी, आई वापस मायतन में आई, मायतन में आई तेरा मुझे ब्लैकमेल करी खड़े भी आई केयर खड़ी हो तो कही बाल बम्बरों खड़े भी होते उते मुझे कोर्ट में खड़ी हो मुझे चे तो मुसलमान थी ने का मुसा कर ने तो के गोली हने मारी चंदा से तो पाज खुशी सा तो दिल कबूल कयो मु खुशी सा कोन कयो जोरी मुझे धमके ने गोली तन तू मुझे शादी कर मुसलमान थी मुचा मुझे मजहब कौन छंद तेरे मुझे धमके ने मजहब मुसलमान थी मुसलमान अभी वो हरिरामचंद का उसका तुम वहां तक उनके ग्लास बर्तन तक अलग रखते हो सुअर के बच्चों। सर हमारा ग्लास किधर है? यहाँ पर रखे हुए हैं हमारा ग्लास, यहाँ पड़ा है। ये वाला हमारा ग्लास है ना? हाँ ये वाला गाइस, ये वाले जो है हमारा ग्लास है। ये बका कितने का एक बना के देते हो? 70 रुपए का। एक डॉक्टर था, उसके ही ड्राइवर ने उसको मार दिया, डॉक्टर को मार दिया। एक बेचारा तुम्हारे रमजान में ही, रमजान के अंदर चीजें वो लोगों को सस्ती दे रहा था, तुम लोगों ने उसको मार दिया। हिंदू था वो, सिर्फ हिंदू इस वजह से। लेकिन चाइना के ऊपर तुम लोगों की पाप में, तुम लोगों की पूरे खानदान में उंगली नहीं है। जिंदा भी कब्र से निकल के आएगा, उसकी गांड में भी दम नहीं है, उसके ऊपर उंगली उठा दो तुम्हारी हलक से तुम्हारी यहाँ पे खींच लेगा ना वो। और तुम लोगों को ना बोलने का मौका भी हम जैसे दे रहे हैं, क्योंकि जब तक तुम लोगों के साले हलक में हाथ देंगे ना, तुम्हारी आते ना खींची जाए ना, तब तक तुम सालो सुधरोगे नहीं, ऐसे कुत्ते की तरह भौंकोगे। और वो टाइम अब आ रहा है कि हर जगह से इन सालों को ऐसी लात मारी जाए, जितनी भी इंडियन कहीं भी है ना, इन सालों की हलक में हाथ देंगे ना, इनकी आंतें खींची जाएं, अब कि हर जगह से इनको आइसोलेट करा जाए तो मजा आएगा। क्योंकि ये साले हर जगह बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं और करेंगे साले, इनका साला कोई पढ़ा लिखा एम्बेसडर, एक्स एम्बेसडर, वो उड़िया उड़िया करके साला है उड़िया, वो सरेआम झूठ बोल रहे टीवी पे बैठ के यार। और वो हिलाली गंजा वो तक झूठ बोल रहा है, और वो एंकर बैठ के हूं कर रही है। और अच्छे खासे हमारे अब्दुल कलाम सर, सबको पता था ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और फिर ये पता क्या कहते हैं ये लोग, कहते हैं कि जो छोटी जात वाले हैं उनको भी हक नहीं मिलता। द्रौपदी मुर्मू जी इस टाइम हमारी प्रेसिडेंट है, मुसलमानों को हक नहीं मिलता। असदुद्दीन ओवैसी सांसद, अमानतुल्लाह खान MLA, ये सिर्फ मैं 2-3 को जानता हूँ जो अपने वैसे बता रहा हूँ। निकालने लग जाऊंगा ना तुम जैसे घाट फट जाएगी। कितने IPS IAS दिल्ली में इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, ACP DCP कितने मोमडन्स हैं ये। तुम्हारा ना पूरा पाकिस्तान घुस जाएगा ना, उतने तो तुम्हारे पास नहीं होंगे। और यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है, और बराबर के हक मिलते हैं उनको। जो हमें मिलता है, जो सिख को मिलता है, वो मुस्लिम को मिलता है, वही ईसाई को मिलता है। तुम लोगों के तरह हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि नॉन मुस्लिम को कोई गवर्नमेंट जॉब प्रॉपर नहीं मिल सकती, उसको सिर्फ झाड़ू पोछे की जॉब मिलेगी। तो सुअर के बच्चों, ये अपने ना मुँह में जो भी बकते हो तुम लोग वहीं तक रखो। और ये जो सनामजद, हेलो मैडम, अगर सुन रही हो ना तुम, तो इनके तुम्हारे मुँह में जबान नहीं है क्या? तुम वहाँ पे बोलना पसंद नहीं करती? व्यूज तो तुम्हें यहाँ से चाहिए होते हैं, व्यूवर्स तुम्हें यहाँ से चाहिए होती है, लेकिन बोलना तुम्हें नहीं होता कि वहाँ के हिंदुओं के साथ तुम लोग क्या करते हो? क्या तुम लोगों को नहीं दिखता? और दिविक के साथ क्या तुमने इंटरव्यू नहीं करा था जो तुम्हें पता नहीं है? लेकिन तुम लोग अपनी ही माइनॉरिटी को, अपने ही लोगों को डिफेंड नहीं कर सकते, क्यों? तुम लोगों के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू हेट है, हिंदू मीन्स इंडियन, तुम ये सोचते हो। और रही यहाँ के मुस्लिम्स की बात, तो तुम लोग यहाँ के छोड़ दो। तुम कितने मुस्लिम्स ना बाहर इंडियन, मैं उन सारे से बोलता हूँ इन सालों से दूर रहो,
क्योंकि भाई भाई करके ना तुम्हें ही अपने घर से पलाया कर देंगे। ये वो कुत्ते के बच्चे, वो सुअर की औलाद हैं। इशू है, आपने कहा कि यहाँ पे 1% भी हिंदू नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वजह है, जब तकसीम हिंद हुआ तो यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी थी, कहाँ गई वो सारी हिंदू कम्युनिटी? यहाँ लाहौर में नहीं है, वो कराची में है, और कराची में वो अच्छे हैं। आप देख लें, बिलावल भुट्टो साहब उनके साथ दिवाली मनाते हैं, होली साथ जाके मिलाते हैं, हमारे वजीर हारजा होके वो वहाँ पर जाते हैं। सिंध में उनको किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। ये आप बात भी मान लें कि यहाँ पाकिस्तान में हर अकलियत महफूज है। इंडिया की बात करें तो उनके दलित वहाँ पर, उनके अपने दलित वो महफूज नहीं है, सिख उनके वो वहाँ पर महफूज है। खालिस्तान आपको आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं, इसी तरह वहाँ से खालिस्तान भी निकलेगा इंशाल्लाह ताला। वहाँ के जो मुसलमान हैं इस वक्त दबे हुए हैं, वो उठेंगे, मगर उसके लिए सबसे पहले जो आपका आपका टॉपिक है आज का, कि हमारी हार जब हमारी, मैंने कहा था ना ये सुअर का बच्चा है, ये सुअर की औलाद है, ये कुत्ते का बच्चा। द्रौपदी मुर्मू जी वो इस टाइम हमारी प्रेजिडेंट हैंगी, समझ ले सुअर वो, अगर देख रहा है तू मेरे को तो, शी इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो खालिस्तान ना तुम जैसे ISI के कुत्तों ने बना रखी है, आगे बात समझ में। वो कुत्ते वहाँ से पैसे भेजते हैं तो उनकी गांड में चुल मस्ती है, और खालिस्तानी कोई सिख नहीं है, गलती से वो खालिस्तानी सिखों के हाथ लग गए ना, उनकी गांड फाड़ देंगे वो, आगे बात समझ में। तो सुअर के बच्चे अपनी ये जो ना जवान है और अपनी अकल ने अपने पास रख, समझा, अपनी पाकिस्तान की हाजा पॉलिसी बेहतर होने, तभी जाके हम कश्मीर का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके हम इंडिया का मुद्दा उठा सकेंगे अच्छे लफ्ज़ों में, तभी जाके जब आप जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आवाज़ें उठती हैं, इंडिया कहता है कि यहाँ पर ये वो है, अगर हमारी हाजा पॉलिसी बेहतर होगी तो ये आवाज़ें कभी भी नहीं उठेंगे। आपको पता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में ना उठती हैं, उठती रहेंगी, आगे बात समझ में। इंडिया नहीं कहता, वहाँ के लोग कहते हैं, आर पार जोड़ दो, करगिल रोड ठोड़ दो, आर पार जोड़ दो, और गिलगित वाले तुम्हारी गांड पे लात मारेंगे, और सच में मारेंगे, आई होप सो। सच में मैं तो कहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट से कि रॉ इतनी एक्टिव कर दी जाए ना गिलगित में, कि उनके हाथों में अब तो हथियार दे दिया है सच में। जिस भाषा में ये साले समझते हैं उस भाषा में इनको समझाया जाए, जिस भाषा में ये समझते हैं, योगी जी कहते हैं ना जिस भाषा में कहोगे उस भाषा में समझा दूंगा, इनके लिए वही सही है। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, इनको और आइसोलेट करने की बहुत ज़रूरत है, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको, इनको ठोका जाए सिर्फ, चाहे UN हो, UNSC हो, कहीं भी इनको इतना जलील कर दिया जाए कि साले कहीं खड़े ना हो पाए, कहीं भी खड़े ना हो पाए, कहीं भी। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी हिंदू पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे हैं, सारे के सारे UN में मेल करें, वहाँ पे वहाँ के कंडीशंस भेजें, ह्यूमन राइट्स को भेजें, और वहाँ से जब तक प्रॉपरली वो लोग उठेंगे नहीं ना यार, खो तुम लोग, अगर कोई साला आता है ना करने, फाड़ दो महाराजा, देखो मरना तो है ही तुम्हें यार, वैसे ही मर रहे हो, बुजदिल बन के मत मरो, फाड़ दो सालों को, अगर कोई तुम्हारी बहन बेटियों को मारने आ रहा है, उठाने आ रहा है, तुम्हें आ रहा है ना, घुसा दो सालों को, पता है तुम्हें मरना ही तो है, तो तिल तिल के मरने से अच्छा एक बार में ख़त्म करो, ठोक दो सालों को, क्योंकि जब तक नहीं करोगे तब तक तुम लोग ऐसे ही सताए जाओगे। तुम लोग अपनी मट्टी अपनी धरती नहीं छोड़ के आए, लेकिन तुम लोगों ने अपनी ही जिंदगी ऐसी बर्बाद कर चुके हो, थोड़ी सी भी कह रहा तो ना ठोक दो सालों को। पाकिस्तान में हथियार मिलना तो आसान बात है, बहुत नॉर्मल बात है, जो कोई भी आए ठोक दो सालों को, और मुआब आती है उड़ा दो मुआब को भी सालों को, क्योंकि ये कुत्ते सुअर के बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही जबान समझते हैं, मार की बात, सिर्फ और सिर्फ प्यार की नहीं, सिर्फ मार की बात, उनको ठोकना चाहिए सिर्फ। जितनी माइनॉरिटीज आएंगी मैं तो उन सबको कहूँगा ठोको सालों को, कोई भी आता है ठोक दो, क्योंकि भगवान भी उसके साथ खड़ा नहीं होता जो अपनी रक्षा खुद ना कर सके, आगे बात समझ में। अगर थोड़ी सी भी है भी गैरत, उठो ठोको सालों को, मत छोड़ा आगे बच्चों। पता है कि अगर बिलावल भुट्टो चले जाते हैं तो ये 12 साल के बाद भारत में हमारा कोई पहला वजीर खारजा होगा जो जाएगा, मतलब आप सोचे कि 12 साल के बाद हमारा कोई वजीर खारजा इंडिया विजिट करने जा रहा है, तो ये एक खुशाइन बात होगी ना। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि ये जाएं वहां जाकर बात करें, और इश्यू हाईलाइट सब ही होंगे। अब जैसे मैं ये बात कर, आज मैं बार बार उसी मुद्दे पे, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बाहर लोग ये क्या कहते थे जी, ये 4-3 का फैसला है, ये फैसला वो फैसला है, मगर जब अदालत के सामने पेश हुए उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ असल मुद्दा था उस पर बात हुई। इसी तरह हम इधर मीडिया पे कहते रहेंगे जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो कह रहे हैं, इस तरह इधर पाकिस्तान में जैसे आकाश राम को उन्होंने
उठा लिया है हमारे, जिसने भी उठाया, इदारे ने उठाया, पूरी इंडिया में उसकी वो बाजगश चल रही है। इसी तरह हम टीवी पे कहते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। वज़ीर हाजरा साहब जाएंगे वहां पर जाके हाईलाइट करवाएंगे कि ये आपके मामला इस तरह हो रहे हैं, जब ये चीजें सारी ठीक हो जाएंगी फिर उसके बाद हमारी दोस्ती आगे बढ़ेगी। और 12 साल बाद, मैंने 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है, बात होनी चाहिए दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाए। मेरा सिर्फ इस जाहिल पे एक ही बात कहना है, पाकिस्तान की ना कोई बात माननी है ना सुननी है, इनको सिर्फ ठोकना है सालों, इनको इतना ठोकना, इतना आइसोलेट कर देना ना, और भी आइसोलेट कर देना है कि साली जो भी कटोरे की भीख मांग रहे ना 1 अरब के लिए, ये चिल्लड़ के लिए भी मरे साले ये, क्योंकि ये इसी लायक है। 75 ईयर से वहां के लोगों को, चलो वो तो सालो तुम्हारा ही लोग हैं, लेकिन तुम लोग ये सोचते हिंदू मतलब इंडियन, तुम लोगों के दिमाग में ये घुसा पड़ा है, अपने ही लोगों को तुम लोग मार रहे हो। हम अपने लोगों को मारते नहीं है, सहूलियात देते हैं, आगे बात समझ में। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने मेरे इंडियंस हैं ना, इनको जवाब दें, खुला जवाब दें, और जवाब ये रहेगा इन सबको सिर्फ और सिर्फ बाइकॉट कर दें, सबसे तगड़ा जवाब ये रहेगा। और जिस दिन ये बाइकॉट हुआ ना, इनकी औकात नहीं रहेगी, इनको ये लगता है कि हमें इंडिया से शह मिल रही है। फैक्ट वाली बात है, शायद मिल रही है, क्यों हम लोग इनसे प्यार प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार प्यार से बात कर, और ये हमें दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, क्यों दब रहे हैं भाई हम, और क्यों हम इनको साबित करने पे लगे हुए हैं यार, क्यों हमें इनको साबित करना है, बाप लगते हैं हमारे साले, जो इनको साबित करें हम, हैं कौन ये साले, कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछता माफे है, तुम हो कौन बे, साफ बोलो कौन हो बे तुम, क्योंकि जब तक ये तुम नहीं बोलोगे तुम्हारे साथ ये सुअर के बच्चे, इनके दिमाग में यही चलता रहेगा। खुल्ला बोलो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, खुल्ला, मैं तो ये कहता हूँ रील बना बना के डालो इनको, सालों को जलील करो बुरी तरह से, इतनी रील बना के डाल दो कि साले ये जलील होते रहें जगह जगह। और जितने इंडियंस बाहर हैं, इन लोगों से तो बिल्कुल बाइकॉट करो इनको सालों को, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, इनको मारो काटो मारो काटो। और एक गुलामी की बात कर रहा मैं, तो गुलाम हो तुम बे, गुलाम हो तुम, कभी तुम चाइना की गांठ चाटने जाते हो, कभी अरबों की गांठ चाटने जाते हो, कभी अमेरिका की गांठ चाटने जाते हो, ठीक है ये मत बोलो तुम गुलाम नहीं है, तुम गुलाम हो सुअर के बच्चों, और ज्यादा गांठ मत फैलाओ, गांठ फाड़ देंगे तुम्हारी, समझे बुझे, नहीं बुझे तो दोबारा सुनाए हैं, गलती से हमारे पल्ले मत पड़ जाइएगा, क्योंकि अभी भी साले माथा सटका ही हुआ है हमारा, बराबर नहीं हुआ, ये ठिकाने पे नहीं आया अभी हमारा, और हमसे तो पंगा लेना मत, एक तो हम यूपी के, ऊपर से आजमगढ़ के, ऊपर से यादव, कांड फाड़ देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। अगर मजा आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इन जाहिलों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। तो मिलता हूं मैं किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।